बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का जो इस टर्म में हमने तकरीबन जो है 15 जुलाई तक हमारा टास्क है कि हमने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ना है। तो फिर मैंने और भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि हमने इन चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था। तो आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 को जो है वो एक बाकायदा आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट जो आउटपुट जो है वो हमें वो आपकी तरफ से मिलेगा। क्योंकि अगर हम जो है वो ये एफर्ट कर रहे हैं, आपको पता है क्वारंटाइन की वजह से और आपकी जो रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, तो हमने इसको जो है वो थोड़ा सा आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो इसको साथ साथ करें। क्योंकि आपको पता है कि वो आपके जो है वो पेपर बोर्ड के होंगे, तो आपको पता है कि आपको जो है उस लिहाज से तैयारी करनी पड़ती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि बोर्ड में आपको जो है वो मैंने पहले भी कई दफ़ा क्लास में बताया हुआ है कि आप लोगों को जो है वो प्रेजेंटेशन उसके बाद फिर आपकी रिवीजन होती है, फिर आपके जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं ये इसके आपके नंबर होते हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है वो टॉपिक बाई टॉपिक जो है वो करवाता जाऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो जो अपना जो है वो अपना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो जो टाइम वेस्ट हुआ है तो वो थोड़ा सा उसकी रिकवरी हो सके। और अगर जो है वो कोई ना समझ लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो आप एक स्कूल का जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर आप जो है मुझे वो सेंड कर सकते हैं, मैं उसको जो है वो डिस्कस कर आपसे कर लूँगा बाद में। तो इसका स्टार्ट दें कंटेंट्स में। आज का जो टॉपिक जो मैंने डिस्कशन करनी है आप लोगों के साथ, उसमें सबसे पहले जो है वो, क्योंकि वो आपको पता है कि मेरी एक आदत होती है कि अगर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, तो सबसे पहले मैं एक एक वर्ड को लेके चलूँगा। तो इसमें सबसे पहले आज हम बात करते हैं मैटर की, बात करूँगा, उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होती क्या क्या है, उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोगों को पहले भी पता होगा इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे उसके साथ। उसके बाद जो है वो मेन हमारा टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज़, गैसियस स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर है। उसके बाद लास्ट में जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के लिए है वो असेसमेंट्स का। उसमें ये है कि हम जो है वो जो भी लेक्चर आया करेगा उसके लास्ट वाली स्लाइड पे एक असेसमेंट हम आपको देंगे। असेसमेंट देने का मतलब ये है कि आप अगर हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों का भी जो है ये इसमें आपका भी हमें आउटपुट चाहिए, और जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आप उसका आंसर लिखें, उसकी पिक लें, पिक लेने के बाद आप उसको स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे या स्कूल वालों के साथ उन्हें कॉन्टेक्ट करके तो आप उनसे पूछ लें कि अगर ये मैंने असेसमेंट कर ली है तो मैं इसको कैसे जो है वो आगे फॉरवर्ड करूँ। तो इंशाल्लाह जो है मैं उसको चेक करूँगा, जो भी क्वेश्चन जो भी आपका कोई हो वो आप मुझे अकॉर्डिंग टू द जो है वो अपना लेक्चर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर का अगर हम मैटर की अगर हम बात करें तो ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे कि मैटर जो है इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मैटर में, एक होता है मैस और एक होता है स्पेस। इसका मतलब कि हर वो चीज़ जिसका मैस है और जिसकी स्पेस होती है, जो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। तो इसमें जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास जो एयर है, वाटर है, टेबल है, बहुत सी इसकी एग्जाम्पल है, मैंने दो तीन लिखी, बाकी आगे जो है वो आपने जो है वो देखी हुई। उसके बाद फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो तकरीबन आपके पास जो है वो तीन होती हैं, उसमें एक गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। तो इसका थोड़ा मैंने जैसे कहा था कि ये पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको वो डिफ्रेंसीशन नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो है वो सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर जो है वो गैस है। आप लोग अगर आप इसको गौर से देखें तो सॉलिड में जो है वो जो वो रिजिड होता है, उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में जो है वो पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, वो रिजिड नहीं होते और जो है वो फिक्स नहीं शेप होती और उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस जो है इसमें ना ही उसमें रिजिड होती है, ना ही उसकी शेप फिक्स होती है, ना ही वो फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि जिस बर्तन में या जिस चीज़ में आप इसको डालते हैं उसकी की शेप को जो है वो अकर कर लेता है। आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पिक्चर को देखना है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी हुई। अब आप लोगों ने क्या करना है मुझे ये बताना है
कि अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या इफेक्ट है सॉलिड लिक्विड और गैस के ऊपर। अब आप लोगों ने इसको सोचना है और मुझे इसका आंसर बताना है। बाकी असेसमेंट में भी आपको कुछ चीज क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये मेरे यकदम जहन में, आपको पता है कि जो है वो जहन मेरा इतना चलता नहीं है, लेकिन कभी कभी चल जाता है तो यकदम जहन में आगे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस है, इसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या इफेक्ट है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। उसके बाद जो है गैसियस स्टेट जो है, ये हम इसको जो है ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आगे काफ़ी ज़्यादा पेपर में आ जाते होते हैं, इसलिए ज़रा इसको गौर से। पहली प्रॉपर्टी इसकी डिफ्यूजन है, फिर फ्यूजन है, फिर प्रेशर है, फिर कंप्रेसिबिलिटी है, फिर मोबिलिटी है, उसके बाद डेंसिटी। हम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा करेंगे कि हम इसको वन बाई टॉप वन बाई वन जो इसकी प्रॉपर्टी उसको एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ, डिपेंडेंस के साथ इसको जो है वो करें। उसके बाद असेसमेंट आपका जो आपने सॉलिड लिक्विड और गैस का जो है कम से कम आपने 10 डिफरेंस आपने लिखने हैं। उसके बाद फिर आपने एक चीज़ जो ये सोचना, थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू आर मैटर और नॉट। आपने ये सोचना आप मैटर हैं या नहीं। अगर तो आप मैटर हैं तो फिर भी रीज़न लिखनी है, अगर आप मैटर नहीं हैं तो फिर भी रीज़न लिखनी है। और ये चीज़ जहन में रखिएगा कि रीज़न जो है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, ये ना हो कि पूरा पेज भरा हो तो पता ही ना चल रहा हो कि आपने जो है वो रीज़न लिखी कहाँ। तो इसलिए टू द पॉइंट इसको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो आपको कुछ समय लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए आप लोगों की, तो ये असेसमेंट जो है ये भी आपने करके उसको देना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।